सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश सिंह, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी में हम आपको जीएस का पूरा कोर्स कराएंगे, जिसमें जीएस में आपने सुना होगा, क्योंकि जीएस तो बहुत बड़ा समुंदर है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री, इतिहास सुना होगा आपने, उसके बाद आता है ज्योग्राफी, भूगोल, उसके बाद आता है पॉलिटी। अब दूसरा पैटर्न लेते हैं, दूसरी चीज़ में आ जाता है फिजिक्स, भौतिक, रसायन, केमिस्ट्री, उसके बाद आ जाता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसके बाद आता है इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो इतना सारा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं किसमें, जीएस में। लेकिन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंडियन पॉलिटी। तो थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंडियन पॉलिटी पढ़ाने से पहले आप मुझे जान तो लो कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, हमें मुझे जो एक्सपीरियंस है वो करीब करीब 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं, हमने महिंद्रा में पढ़ाया 4 साल और 3 साल पढ़ाया आपने, मैंने केडी कैंपस में, केडी कैंपस में पढ़ाने के बाद हरिंद्रा क्लासेस में कुछ देर पढ़ाया, कुछ दिन पढ़ाया था, उसके बाद आपके यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी से हम जुड़े हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी की बात सुना होगा आपने, बहुत सारे सब्जेक्ट सुना होंगे, पॉलिटी, पॉलिटिक्स सुना होगा एक वर्ड, पॉलिटिक्स, राजनीति। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीति, राजनीति। एक सुना होगा आपने पॉलिटी, पॉलिटी, इसको हिंदी में, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं। जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको तो पता होगा कि पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको क्या पता है कि कौन क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हैं बहुत सारे बच्चे, वो क्या होता है। तो देखिए, पॉलिटिक्स को हिंदी में बोलते हैं राजनीति, लेकिन पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा पॉलिटिक्स, पॉलिटी, राज व्यवस्था, ये तो आपको पता पड़ गया, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा है, तो सिलेबस में कौन सा है, पॉलिटिक्स है या पॉलिटी है। तो याद रखना, पॉलिटिक्स सिलेबस में नहीं है। तो क्या हुआ, पॉलिटी। तो मेन बात यह है कि पॉलिटी भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राज व्यवस्था। भाई भारत के हैं ना हम यार, मैं भारत का हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि आप में से कुछ लोग बोले सर मुझे तो नेपाल की पॉलिटी पढ़ाओ, या आप मलेशिया की पढ़ाओ, या फिर अमेरिका की पढ़ाओ। हाँ, कुछ देशों से हम कंपेयर करते चलेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जब हमारे यहाँ से दराज करके गई तो वो उनका सारा का सारा चीज़ें हमने अपनी कॉपी कर ली। उसके बाद यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम यूएस, ब्रिटेन, नेपाल, कुछ देशों से हम कंपेयर करके चलेंगे, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में इनका आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की, कि राजनीति क्या होता है और राज व्यवस्था क्या होता है। तो देखो, राजनीति को आप तोड़ दो, राज अलग है और नीति अलग है, राज अलग है और नीति अलग है। नीति क्या होता है भाई, नीति होती है पॉलिसी, नीति क्या होती है पॉलिसी, पॉलिसी। जैसे कोई भी नीति बनाते हैं हम, जैसे भाई हमने एक पॉलिसी बनाई कि हमें एक कंपनी खोलनी है, हमें ये पॉलिसी बनानी है, ऐसे ऐसे नीति बनानी है, उस प्रकार आपको काम करना है उस नीति पर। लेकिन यहाँ राजनीति में नीति अलग है, नीति क्या है यहाँ पर, तो नीति का मतलब पॉलिसी है और राज का मतलब पावर में आना, राज करना अपना, है या नहीं है। तो यानी राज करने की नीति से राजनीति बनती है। अब बात करते हैं राजनीति, तो आपने कुछ पार्टी सुनी होंगी, जैसे होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, अक्सर ये देखा होगा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहती है, होता है ना, जैसे कि अमित शाह ने आरोप लगा दिया अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव गंदी राजनीति कर रहा है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने जब अपना बंगला खाली नहीं किया और उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगा दिया, तो अखिलेश यादव ने मोदी पर आरोप लगाया ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है मोदी पर, मोदी किसी पर आरोप लगा रहा है। तो ये क्या होता है, राजनीति, यानी कोई भी ऐसी नीति बनाई जाए, कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे पावर, राज अपना हो, चाहे उसमें उसका भला हो भला हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको बोलते हैं राजनीति। तो भैया हम सिलेक्शन लेने आए हैं, पढ़ने आए हैं, राजनीति तो करने आए नहीं हैं। तो हमारा याद रखना, राजनीति हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो राजनीति हमें नहीं पढ़ना है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था पढ़नी है हमें। अब बच्चे बोलते हैं सर राजनीति तो हमें समझ में आ गया कि राज करने की नीति, यानी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जैसे पावर अपने पास आ जाए,
तो हमें राजनीति तो करनी नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है। तो देखो भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का मतलब तो आप समझ गए, लेकिन राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो राज व्यवस्था में भी दो शब्द हैं, राज अलग है और व्यवस्था अलग है। राज अलग है, व्यवस्था अलग है। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ड की कि राज क्या होता है, राज क्या होता है। तो राज की बात करते हैं, राज का मतलब होता है स्टेट। यहाँ राज्य को हमने राज बोल दिया गया है, सुना होगा स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट और नॉट। हाँ, उत्तर प्रदेश क्या एक राज्य है? हाँ। हरियाणा एक राज्य है? हाँ। पंजाब एक राज्य है? हाँ। कर्नाटका एक राज्य है? हाँ। तो इतने सारे आपने राज्य सुने, क्या भारत एक राज्य है? क्या भारत एक राज्य है? तो बहुत बच्चों ने नहीं सर, भारत एक राज्य नहीं है, भारत तो एक देश है। तो याद रखना, इंडिया इज ऑल्सो अ स्टेट, भारत भी एक राज्य है। क्योंकि राज्य चार चीज़ों से मिलकर बनता है, समझ में आया? राज्य चार चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे सबसे पहला होता है, किसी भी राज्य का एक क्षेत्रफल होता है। किसी भी राज्य का क्या होता है? एक क्षेत्रफल, एरिया, एरिया, क्षेत्रफल। दूसरा, उस राज्य में क्या होता है? जैसे उत्तर प्रदेश का एक एरिया है, तो भारत का भी तो एक एरिया है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है या नहीं है? तो पहला क्या होता है? एरिया। और दूसरा क्या होता है? उसमें रहने वाले लोग। तो उत्तर प्रदेश में कुछ लोग हैं ना जनसंख्या, तो भारत की भी तो एक जनसंख्या है। तो इंडिया इज ऑल्सो, यानी भारत इस पर भी फिट बैठ रहा है। तो क्या हो गया दूसरा? पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या, पॉपुलेशन। तीसरा क्या हो गया? यानी पहला हो गया क्षेत्रफल, दूसरा क्या हो गया? जनसंख्या। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया, अब भारत में मान लो भाई कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन उसमें लोग जो रह रहे हैं उनमें कोई प्रशासन तो करेगा, व्यवस्था तो करेगा, कोई सिस्टम तो करेगा। तो तीसरा कौन सा है? गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा है? सरकार। तो भारत की एक सरकार है, हरियाणा की सरकार है, तो भारत की भी तो एक सरकार है, है या नहीं है? और चौथा कौन सा हो गया? सोवरेनिटी, संप्रभुता, संप्रभुता। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में, भारत एक राज्य, राज का मतलब क्या है? यहाँ हम भारत के लिए बात कर रहे हैं, इंडिया के लिए, इंडिया इज अ स्टेट, भारत एक राज्य है। कैसे? भारत का एक एरिया है, भारत में रहने वाले कुछ जनसंख्या है, उसकी एक सरकार है, और उसके बाद चौथा आता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जिस क्षेत्र पर किसी भी बाहरी चीज़ का कोई हस्तक्षेप ना हो। क्या हम अमेरिका के कहने पर डिसीजन लेते हैं? नहीं। क्या हम चाइना के कहने पर? नहीं। हम संप्रभु राज्य हैं, यानी हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो भारत अपने कानून खुद बनाता है और उनको चेंज कर सकता है और उनको ख़त्म भी कर सकता है। तो इन चार चीज़ों से मिलकर एक क्या बनता है? राज्य बनता है। तो यहाँ भारत के लिए बोला गया कि भारत की हमें व्यवस्था पढ़नी है। नहीं आया समझ में? इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारत की हमें राज्य व्यवस्था पढ़नी है, यानी राज करने की व्यवस्था पढ़नी है, सिस्टम पढ़ना है हमें। व्यवस्था का मतलब क्या है? सिस्टम। और सिस्टम किसको बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन। सिस्टम किसको बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हेडिंग डालते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो सबसे पहले याद रखना कि राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? भारतीय राज्य व्यवस्था। हमें राजनीति नहीं करनी है, क्या पढ़ना है? राज्य व्यवस्था। यही आपके सिलेबस में आती है। और सबसे पहले कुछ एग्जाम्स के बारे में बता देता हूं जिसमें इंडियन पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूपीएससी की बात करते हो तो यूपीएससी में भी अलग अलग ईयर्स में 10, 12, 15 तक क्वेश्चन आ रखे हैं प्री में। और मेंस तो आपको पता है कि ऑप्शनल होता है, ये किसके लिए? यूपीएससी के लिए। अब आ जाओ, आप जिस स्टेट के हो तो उस स्टेट में होता है पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। हर स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे राजस्थान में आरएएस होता है, उत्तर प्रदेश में पीसीएस होता है, हरियाणा पीसीएस होता है। तो इनमें भी अलग से एक सब्जेक्ट आता है, ऑप्शनल आता है पॉलिटी, इसमें हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का। अगर एग्जाम देखोगे तो सबसे ज़्यादा आप पॉलिटी के क्वेश्चन देखो आईबी, एसीआईयू, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो उसमें भी इंडियन पॉलिटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद राज्यसभा असिस्टेंट, लोकसभा असिस्टेंट, सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट, हाई कोर्ट असिस्टेंट। उसके बाद आप एसएससी में भी अगर आप 3 से 4, 5 से क्वेश्चन देख लोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिस्टम से, ठीक है या नहीं है? तो आपको क्या पढ़ना है? आपका सब्जेक्ट क्या है भाई? इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारत की हमें व्यवस्था पढ़नी है। अब भारत की व्यवस्था क्या होती है? तो शुरुआत एकदम ऊपर से करते हैं। तो भाई सबसे पहले पढ़ना है हमें इंडियन पॉलिटी। तो सिलेबस सब्जेक्ट क्या है हमारा? भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहां से इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी को अब देखो, इंडिया का नाम नहीं लेना हमें बार बार, क्योंकि हमें पता है हम भारत के, तो हमारे सिलेबस में भी क्या है? भारत का।
तो हमें इंडिया का नाम नहीं लेना, क्योंकि हमें इंडिया के ही है, तो इंडिया का ही सिलेबस में आएगा, ठीक है। अभी आप यूपीएससी नहीं कर रहे हो जो आपको बाहर का भी ज़्यादा पूछ लिया जाए, तो हम इंडिया का नाम नहीं लेना। लेकिन पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था, ठीक है। ये हो गया राज व्यवस्था। तो यानी भारत की हमें राज व्यवस्था पढ़नी है। यहाँ राज अलग है और व्यवस्था अलग है। व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? एक सिस्टम, एक सिस्टम से काम करना। व्यवस्था को क्या बोल सकते हैं हम? सिस्टम। और सिस्टम यानी, और राज को क्या है? राज को क्या बोला गया है यहाँ? इंडिया। राज को क्या बोला गया है? इंडिया। तो यानी कि राज इंडिया का हमें सिस्टम पढ़ना है, और इंडिया का सिस्टम किससे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो याद रखना, भारत का हमें भाई संविधान पढ़ना है। देखो आपका सब्जेक्ट यानी इंडियन पॉलिटी से ही ड्राइव हो गया कि हमें क्या पढ़ना है? भारत का संविधान पढ़ना है, यानी भारत की व्यवस्था पढ़नी है, सिस्टम पढ़ना है। और सिस्टम किससे होता है? संविधान से। राजनीति नहीं पढ़ना, याद रखना। राजनीति और राज व्यवस्था में अलग है। तो याद रखना, आपका सब्जेक्ट मोदी नहीं है, मोदी नहीं पढ़ना है आपका। आपका सब्जेक्ट मोदी नहीं है, आपको क्या पढ़ना है सिस्टम में? प्रधानमंत्री। आपका सब्जेक्ट योगी नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है? मुख्यमंत्री। आपका रामनाथ कोविंद नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि मोदी के चाचा के लड़के का नाम बताओ। हाँ, क्वेश्चन आएगा मोदी कैसे प्रधानमंत्री बना, या आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, ये क्वेश्चन आएगा। कभी क्वेश्चन नहीं आएगा योगी के जेब में कितने पैसे हैं, या रामनाथ कोविंद की बीवी का नाम बताइए। क्वेश्चन ये नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से। मोदी नहीं पढ़ना है। अगर मोदी पढ़ना होता तो आपका सिलेबस क्या होता? राजनीति। अगर योगी पढ़ना होता तो सिलेबस क्या होता? राजनीति। हमें यहाँ व्यवस्था पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, तो मोदी नहीं, प्रधानमंत्री। अब इसमें पढ़ना है कि प्रधानमंत्री बनता कैसे, उसकी योग्यता क्या है, वो कैसे कैसे बनता है, उसके काम क्या होते हैं, राष्ट्रपति से उसके संबंध क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें। क्या था आप प्रधानमंत्री बन सकते हो? हाँ, बन सकते हो। अब कैसे बन सकते हो, वही तो सिस्टम में पढ़ना है। राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं, वही तो सिस्टम में पढ़ना है। सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया हमें संविधान पढ़ना है भारत का। आपने संविधान के बारे में सुना होगा, सुना है संविधान के बारे में, भारतीय संविधान, बिल्कुल। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा, देखो अलग अलग देश का सिस्टम होते हैं, अलग अलग देश के चलाने की विधि होती है कि कैसे कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे कैसे काम किया जाएगा उस सिस्टम पर। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के संविधान की। हमारे देश का भी है, अमेरिका का भी है, फ्रांस का भी है, ब्रिटेन का भी है, रशिया का भी है। तो भारत का सिस्टम यानी भारत का संविधान कैसा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इससे बड़ा कोई भी दुनिया में संविधान नहीं है। और जो भी सबसे ज़्यादा फ्रीडम, जैसे आप घूम रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक रिक्शे वाला MLA बन सकता है, एक आम आदमी जाकर एक सांसद बन सकता है और हम पर राज कर सकता है। ये किसी व्यक्ति ने, या मोदी ने, या फिर किसी व्यक्ति ने आपको आज़ादी नहीं दी है, ये भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें मौलिक अधिकार भी आता है, ठीक है। तो क्या पढ़ रहा है हमें? भारत का संविधान। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। और उसके बाद यही संविधान आज दिल्ली की संसद में हीलियम गैस के केस में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी इंक उड़ ना जाए, इसलिए हीलियम गैस में उसको बंद कर रखा है। तो संसद में रखा है, आपको याद रखना होगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अब दुनिया में दो तरह के संविधान होते हैं, ठीक है। दुनिया में कितनी तरह के संविधान होते हैं? दो तरह के। एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। तो लिखित संविधान किसका है? भारत का। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं, सर इसका मतलब क्या हो गया? ब्रिटेन वाले, जैसे ब्रिटेन का संविधान मौखिक है, तो ब्रिटेन वाले संविधान, मौखिक संविधान को याद कैसे करते होंगे? अपने इतने सारे रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम कैसे कैसे चल रहा है या नहीं है? तो उस लिखित और मौखिक का डिफरेंस बताओ सर, हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का संविधान लिखा कैसे है। तो अगर आप चाहो तो इसको उतार सकते हो, ठीक है। तो मिटाते हैं और सबसे पहले संविधान की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि संविधान दो तरह का होता है, एक लिखा हुआ और एक मौखिक। उसके बाद हम लिखित संविधान यानी अपना भारत का संविधान बताएंगे कि भारत का संविधान भी दो भागों में डिवाइड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा? एक ओल्ड है और एक मॉडर्न, यानी प्राचीन संविधान और आधुनिक संविधान। अब प्राचीन क्या है और आज का संविधान क्या है? तो आज आपको पता पड़ेगा कि हमें संविधान क्या क्या पढ़ना है, संविधान में कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अभी तो मैं इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और इंडियन पॉलिटी से क्या निकल के आया? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान।
अब फिर मैं बताऊंगा संविधान कैसा कैसा है, फिर कैसा भारत का कैसा है, कितने भाग हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उसके बाद आपको सिलेबस डिस्क्राइब करें डिस्कस करेंगे, और सिलेबस के पास पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ने बनाया, अम्बेडकर ने बनाया, ये एक व्यक्ति ने बनाया या बहुत सारे लोगों ने बनाया, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये सबको समझ में आया कि हमारा इंडियन पॉलिटी का मतलब संविधान क्यों हुआ, आया है नहीं आया? बिल्कुल, तो हमें संविधान पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिखिए भाई, तो इसको मिटा देते हैं और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर डालते हैं कि दुनिया के संविधान को डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम भारत के संविधान पर आएंगे। तो दुनिया का संविधान कितने तरह का होता है? दो। कितना होता है? दो तरह का, एक कौन सा, लिखित और एक मौखिक संविधान। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप लिख सकते हो कॉपी में अगर आप चाह रहे हो तो, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। यहाँ ये वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, यहाँ भारत की नहीं चल रही है, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो तरह के होते हैं संविधान, कौन कौन से? एक होता है आपका ओरल यानी मौखिक, मौखिक संविधान, और एक होता है आपका रिटन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, लिखित संविधान। तो दो तरह के संविधान होते हैं, एक होता है दुनिया में कुछ देशों के मौखिक हैं और कुछ देशों के लिखित संविधान हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अपने देश का संविधान कैसा है। हम तो भारत के हैं भाई, हमें अपने देश का सिस्टम पढ़ना है, तो सबसे पहले किससे मतलब हमें? अपने देश के संविधान से। तो हमारे देश का संविधान कैसा है? तो हमारे देश का कैसा है भाई? लिखित। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंडिया। यानी भारत का संविधान कैसा है? लिखित। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे ज़्यादा आज़ादी किसने दे रखी है? भारत के संविधान ने दे रखी है हर व्यक्ति को, तो वो संविधान हमारा लिखित संविधान है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इनका भी कैसा है? लिखित। तो दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? यूएसए का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया, यूएसए हो गया, रशिया का कैसा है? रूस का लिखित संविधान। और अब पड़ोसी की बात कर लेते हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि लड़ाई झगड़े हुए, कुछ फाइटर प्लेन हमारे गए, हम उससे भी एक चर्चा करेंगे आपातकाल में कि कैसा कैसा क्या क्या होता है, किस केस में हमारा देश खतरे में आ सकता है, किस केस में उसे बचाया जाता है, तो आपातकाल में पढ़ाएंगे। तो पड़ोसी की बात करते हैं, तो पड़ोसी का मतलब क्या है? समझ तो गए होंगे, हाँ, क्या? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का भी कैसा है भाई? पाकिस्तान का भी कैसा है? लिखित संविधान। और एक इनका दोस्त है पाकिस्तान का, नाम क्या होगा? चाइना। तो चीन का भी संविधान कैसा है? लिखित संविधान। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया में 90% 95-98% देशों का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? लिखा हुआ। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनका मौखिक संविधान है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन नाम सुना होगा आपने, ब्रिटेन का भैया, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत साल राज किया, 200 साल राज किया। पहले भारत सोने की चिड़िया था, पता होगा आपको, तो सोना तो ले गए, अब क्या है? चिड़िया। तो उनसे भी हमें देखना है कि भाई इनसे कंपेयर करते चलना है, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने हमने इनसे लिया है। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? मौखिक। दूसरी बात करते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब नाम सुना होगा, सऊदी अरब का संविधान कैसा है? मौखिक संविधान है। सऊदी अरब का संविधान कैसा है? मौखिक संविधान है। तीसरा बात करते हैं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कैसा है? मौखिक संविधान है। इसराइल, इसराइल का कैसा है? मौखिक संविधान है। तो ये हो गया मौखिक संविधान और ये हो गए लिखित संविधान। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि ज़्यादातर देशों का संविधान कैसा है, तो आप क्या बताओगे? लिखित संविधान। लेकिन कुछ ही देश ऐसे हैं जिनका संविधान कैसा है? मौखिक, जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इसराइल। इससे ज़्यादा आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं, सर ये बताओ कि लिखित और मौखिक क्यों हैं? क्या ये याद करते हैं अपने संविधान को मुँह से? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले याद रखना, जो भी देश, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हम गणतंत्र, और ये सब आपको भी लिखना है। सबसे पहले याद रखना एक चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर, रिपब्लिक, गणतंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र, अक्सर आपने सुना होगा गणतंत्र। सबसे पहले याद रखना, जो भी देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है, उसका संविधान लिखा हुआ संविधान होगा। जो भी देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है, उसका संविधान कैसा होगा? लिखा हुआ संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिपब्लिक क्या होता है भाई। सुना होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ यूएस, रिपब्लिक ये, रिपब्लिक ऑफ, सुना है ना बहुत बार। गणतंत्र, रिपब्लिक डे मनाते हैं हम, तो
बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा रिपब्लिक हो, लेकिन रिपब्लिक होता क्या है? किसी ने ये नहीं सुना होगा रिपब्लिक होता क्या है। तो याद रखना भाई, रिपब्लिक ही होता है जिस देश का मुखिया, जिस देश का हेड। अब हमारे देश का मुखिया कौन है? जैसे आपके घर में आपके मुखिया कौन है? दादाजी। किसी के घर में पापा होंगे मुखिया, दादाजी गुजर चुके होंगे। तो हमारे देश का मुखिया कौन है? हमारे संविधान में मुखिया किसको बताया गया है? राष्ट्रपति को। तो जिस देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उस देश को बोलते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक। क्लियर हुआ? तो बात करते हैं रामनाथ कोविंद की। हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। तो क्या हमारा देश गणतंत्र है? क्या ऐसा है कि रामनाथ कोविंद का लड़का ही राष्ट्रपति बनेगा, या उनका लड़का राष्ट्रपति बनेगा, या उनकी बेटी फिर राष्ट्रपति बनेगी? नहीं, हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। हमारे देश का प्रेसिडेंट कैसा होता है? इलेक्ट होता है। तो कभी आपने इलेक्शन में पार्ट लिया प्रेसिडेंट के, रामनाथ कोविंद के? अब सब बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो कभी वोट नहीं किया, और प्रेसिडेंट को कभी वोट होती नहीं है। लेकिन मैंने तो वोट किया है, आपने भी वोट किया है, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। हम भैया जब लोक स्टेट का इलेक्शन होता है तो विधायकों को वोट करते हैं, MLAs को करते हैं नहीं करते? और जब देश का इलेक्शन होगा, जैसे अब आने वाला 2019 लोकसभा इलेक्शन, तो जब देश का इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो हम MPs को इलेक्शन करते हैं। जिसको हम वोट करते हैं वही प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। तो जिस देश का हेड इलेक्ट होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो देश गणतंत्र है। तो बताओ इंडिया गणतंत्र है या नहीं है? हाँ, हमारा देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अब बात करते हैं अमेरिका। अरे अमेरिका तो भैया हमसे ज़्यादा गणतंत्र है, अमेरिका तो हमसे ज़्यादा रिपब्लिक है। क्यों अमेरिका हमसे ज़्यादा रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि उनका राष्ट्रपति डायरेक्ट निर्वाचित होता है, है या नहीं है? रशिया, यहाँ पे भी इलेक्शन होता है हेड का, यहाँ पे भी इलेक्शन होता है। तो याद रखना, जो देश गणतंत्र है उसका संविधान कैसा होगा? लिखा हुआ। और बात करते हैं यहाँ पर मौखिक। तो जो देश, जिस देश में मोनार्की है, मोनार्की, मोनार्की मतलब क्या होता है? राजतंत्र। मोनार्की मतलब क्या होता है? राजतंत्र। तो जिस देश में राजतंत्र है उसका संविधान कैसा होगा? मौखिक संविधान होगा। आया नहीं आया? यानी यहाँ क्या है? हेड निर्वाचित होता है, इलेक्ट होता है, और यहाँ क्या है? मोनार्की है, राजतंत्र है। यहाँ का राजा क्या है? यहाँ का जो मुखिया है, हेड है, इलेक्ट नहीं होता। याद रखना, यहाँ वंश के आधार पर क्या होता है? निर्वाचित होता है, निर्वाचित नहीं, वंश के आधार पर चुना जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, पहले किंग जॉन थे, फिर विक्टोरिया आ गई, विक्टोरिया एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ टू, आदि, यानी उनका बेटा, बेटा का बेटी, बेटी बेटी, फिर बेटा, फिर बेटी, आज कौन है? प्रिंस विलियम्स चार्ल्स। तो जिन देशों के मुखिया वंश के आधार पर चुने जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, उसको बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र, राजा का तंत्र है वहाँ। तो वहाँ इलेक्शन हो रहा है हेड का, ध्यान रखना। इन जी रिपब्लिक का मतलब क्या है? यहाँ हमारे मुखिया का इलेक्शन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? वंश के आधार पर चुना जा रहा है। तो ये, लेकिन अगर बच्चे पूछते हैं सर ये बताओ, चलो रिपब्लिक तो हो गया, ठीक है, हमें ये पता पड़ गया कि रिपब्लिक होगा, उस देश का संविधान लिखा होगा, और जहाँ राजा का तंत्र होगा वहाँ मौखिक होगा, लेकिन रिपब्लिक से मतलब क्या है? तो भैया हमारे जो कानून बनाने की विधि है, हमारा विधान बनाने की विधि है, संविधान बनाने की विधि है, नीति बनाने की विधि है देश के लिए, तो उसमें होता क्या है? यानी चुना हुआ राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर लिखित में साइन करके क्या करता है? उसको कानून में परिवर्तित करता है। जैसे कि हमारा कोई भी कानून बनेगा देश के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए, 125 करोड़ लोगों के लिए, तो लोकसभा राज्यसभा से विधेयक के बिल के रूप में पास होगा, और फिर चुने हुए राष्ट्रपति उस पर लिखित में साइन करके उस बिल को एक्ट बनाते हैं, उसको क्या बनाते हैं? अधिनियम बनाते हैं। इसकी वजह से है, लेकिन यहाँ कोई लिखित में, यानी यहाँ वंश के आधार पर चुने हुए मुखिया को कोई लिखित में क्या करने की, लिखित में साइन करने की जरूरत नहीं है, उनका आदेश ही क्या माना जाता है? उनका विधान माना जाता है। तो ये हो गया लिखित, ये हो गया लिखित, और ये हो गया मौखिक। ये दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमें मतलब किससे? इससे, और किससे? इससे, और किससे? इससे, क्योंकि 70% संविधान हमने यहाँ से लिया है, और अमेरिका दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, तो हम यहाँ से कंपेयर करते चलेंगे कि हमारा राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पावर में डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, हमारे भारत में प्रधानमंत्री के पास पावर है, और जो ब्रिटेन में रानी के या राजा के पास पावर है, वहाँ यहाँ किसके? राष्ट्रपति के पास पावर है। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि दुनिया का संविधान दो भागों में डिवाइड है। तो हम अब बात करते हैं अपने देश के लिखित संविधान की, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद
करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे अगली बार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मुझे लगता है, आशा है कि आपको थोड़ी चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।